हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है नीरज और आप है मेरे यूट्यूब चैनल अवनीटेक इंडिया पर। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए और दोस्तों आपके जो है फ़ोटो डिलीट हो जाए, तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, वो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लिए बिना। दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम के अंदर एक सेटिंग मिलती है, अगर आप उसको अनेबल कर दें तो दोस्तों आप जो है अपनी फ़ोटोज़ को है रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आप जो है लेटेस्ट जो रिसेंटली एक ही फ़ोटो या कुछ भी मीडिया आपका डिलीट होगा दोस्तों, आप उसको रिकवर कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया है और दोस्तों ये एक फ़ोटो है, मैं दोस्तों आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसी को डिलीट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर मुझे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट करने का, दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों मैं दूसरी फ़ोटो भी डिलीट करता हूँ, ये रही, मैं इसको भी दोस्तों डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जो है रिसेंटली जो आपसे डिलीट हुई होगी, यानी दोस्तों मैंने अभी दो फ़ोटो डिलीट की, लेकिन दोस्तों इसमें से जो है मैं एक ही फ़ोटो को रिकवर कर पाऊँगा जो मैंने लास्ट में डिलीट की थी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल का लोगो मिलेगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो है प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। दोस्तों प्रोफाइल की सेटिंग इसके अंदर मिलेगी, यहाँ पे थ्री लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है और दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है और दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ भी आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे नीचे की तरफ जाना है। तो चलिए दोस्तों नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों आपको रिसेंटली डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, रिसेंटली डिलीटेड, तो दोस्तों आपको इसको क्लिक कर लेना है और आप देखोगे कि दोस्तों आपको यहाँ पे वही फ़ोटो मिलेगी जो आपने डिलीट की थी। तो दोस्तों ये 30 दिन तक का आपको समय मिलता है। इसको दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने थ्री डॉट का एक ऑप्शन आएगा राइट साइड में, इसको क्लिक करके दोस्तों आप जो है डिलीट और रिस्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आपको इसको रिस्टोर कर देना है। तो रिस्टोर करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपका जो है ये रिकवर के लिए आपका मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट मांगेगा। दोस्तों मैं इसमें जीमेल अकाउंट को जो है ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक ओटीपी आएगा, ये सिक्योरिटी कोड होता है। तो दोस्तों मेरे पास ये जो है जीमेल अकाउंट के ऊपर ये मुझे प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं अपना जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ वेट करने के बाद हमारे पास जो है ये अकाउंट आ चुका है और दोस्तों ये जो है कॉपी इसको कर लेना है, ये रहा। तो दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दोस्तों वहाँ पे इसको आगे डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा खोलता हूँ और यहाँ पे इसको दोस्तों पेस्ट कर देता हूँ और कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद हमारी ये फ़ोटो है, तो यहाँ पे इसको रिस्टोर करने का दोबारा ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप दोस्तों रिस्टोर कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो है फ़ोटो रिस्टोर हो चुकी है और दोस्तों वो वहीं पे मिलेगी जहाँ से हमने डिलीट की थी। तो आप देख सकते हैं आपको जो अपने पेज को रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि ये वही फ़ोटो है जो हमने रिसेंटली डिलीट की थी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर है और दोस्तों आप जो है लेटेस्ट जो रिसेंटली फ़ोटो होगी उसी को जो है रिस्टोर कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।